आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपका जन्म इस कलयुग में हो गया, उस चरण में आज बैन उठ गया इस काल का। आप सभी पार होगे, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई सेठ है, चाहे राष्ट्रपति है, यदि वो सतभक्ति और समर्पण भाव से करेगा तो सभी की जहाज में बैठ कर सतलोक जाएंगे। ये ऐसा मंत्र है आपको दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान है। सबसे पहले आपको विकार रहित किया जाएगा, सब बुराई छुटाई जाती है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी चप्पा ये रिश्वत वगैरह ये सारी त्यागनी पड़ेंगी। फिर देखना तुम्हारे घर में बरकत है, कितना आपको सुख देगा भगवान आप सोच भी नहीं सकते। और आप ये सोचा करोगे सचमुच परमात्मा सुना करते ऐसा सुख देता है आपके घरों में डेली होया करेंगे। जैसे कल आपने देखा, कल आपने सुना उस गरीब परिवार की कहानी कि मेरा छोटे से का बाप मर गया था और पिताजी की मृत्यु हुई तो लोन ले रखा था बैंक से, वो लोन भर नहीं सका, हमारी बहुत खस्ता हालत थी और माता अकेली रहेगी कुमानाली मजदूरी करे, और लोन आ गया कई हजार रुपए रोजाना महीने दो महीने में बैंक से वो लेटर आ जाए तुम्हारा इतना लोन है भर दो। तो उनकी माता गई थी वहां पर बैंक में कि भी ये तुम्हें पर्ची भेजी है इसका सारा तो मैं नहीं भर पाऊंगी और जो ब्याज रहित अगर लेना चाहो तो मैं दे सकती हूँ, इस तरह कोई सोच कर गई थी वह कोई क्लियर करो उन। तो कलर कहने लगा तुम्हारा बैंक में कोई लोन शेष नहीं है, तुमने सारा भर रखा है। वो उसके साथ सरवरी है कि तू ढंग से नहीं देखता है, तुम कल ने फिर मेरे समारे पर और दुगना तिगना बना के भेज दोगी, तू ढंग से बता मेरे को। उनकी दोनों की लड़ाई ऊंचे ऊंचे बोलने लगे, बैंक मैनेजर आ गया, कहने लगा बहन क्या झगड़ा है तुम्हारा। बोला जी मेरा हमारे यहाँ चिट्ठी भेज रखी तुमने हैं और ये हमारे ऊपर लोन है, यू नो कह लोन तुम्हारे पास है नहीं, तुम फिर इसका दुगना बना के भेजोगे, हम थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें जैसा हमारी गुंजाइश है कुछ करा इसका, तो बताओ मुझे क्लियर बताओ। बैंक मैनेजर ने बोला जा बहन जी मैं देखूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। उसने खुद चेक किया, कंप्यूटर में देखा तो कहने लगा तुम्हारा सारा लोन क्लियर है। वह फिर शर होगी, बोली तुम मत बकाओ मेरे को, ये तुमने चिट्ठी भेज रखी। वह चिट्ठी उसने दी पाड़ और लिख कर दे दिया कि तुम्हारा कोई लोन नहीं है, समोर मार दी। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने कैसी रजा करी, उनके अकाउंट तो लोन ने खत्म कर दिया, उनके अकाउंट में ही नहीं रहा, नहीं तो वो उनके ऊपर पड़ा कलर कलर का बेचारा गए मान लिया, वो लिख के भी दे देते थे तो उनके उस खाते में सारा खत्म कर दिया। और परमात्मा ने के लागे देरी, वो घर भर दे परमात्मा आपका पैसे से, ये सत्कर मान लेना। ऐसे भक्त हमारे को बताते हैं जी मेरे एक बार 5,000 रुपये बढ़ गए, इतने पैसे धरे थे 3 बार गिन के गरीब आदमी और 5,000 रुपये बढ़े पाए। तो पुण्यात्माओं विश्वास रखना मालिक पे, दो नंबर के धंधे करके दूने पाप कमाओगे और अंत में पापों की गाड़ी पर ले जाओगे। यहां परमात्मा आपके आने वाली आपत्तियां, जैसे आपके ऊपर कोई पाप कर्म के कारण कोई दंड आना, उसको भी खत्म करेगा। तो इसलिए परमात्मा बताते हैं अपनी महिमा, आप बताते हैं आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतावेगा, भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतावेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे आ जाओ तुम अभी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।